बीए करने वाले भी झंडे गाड़ देते हैं, और बीटेक ईटेक बड़े बड़े कोर्सेज करने वाले भी बैठ के पिताजी के पिता खेती भी बिक गई, सब गिरवी भी रखवा दिया, और उसके बाद सर जी अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, लोग कह रहे हैं सर बीसीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीए करें, क्या करें। इस पे हमने पहले भी पूरी प्रॉपर वीडियोस बना रखी है, अगर आपको किसी एक के फायदे जानने हैं तो आप करियर काउंसलिंग सीरीज में जाएंगे और आसानी से प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि हमने बीएससी क्यों की। जब हम ट्वेल्थ पास हुए, आपको भी लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग समझाएंगे कि हमें पॉलिटेक्निक कर लीजिए, जीटीआई कर लीजिए, लेकिन आज से 10 साल पहले का जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ और है। ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है आपके पास प्लेसमेंट आएगा, किस तरीके से चीजें आएंगी। यहां पर आपको दो पॉइंट क्लियर करना चाहेंगे। मान लिया एक चीज होता है इंटरेस्ट और दूसरा होता है कैपेबिलिटी। इंटरेस्ट मतलब हम चाहते क्या है, कैपेबिलिटी मतलब मेरी औकात कितनी है। चाहते तो हम कि आज जाएं और जाके एक फॉर्च्यूनर खरीद लाएं, जाके 50 लाख की 45 लाख की लेजेंडर 4x4, ये मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी मेरी यह है कि भैया हम एक छोटी अल्टो भी नहीं खरीद पा रहे, हम या किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, लेकिन फैक्ट तो यही है ना। तो अब आपने कहा हम तो बीटेक करेंगे, अब पिताजी का मकान खेती गिरवी सब बिकवा डाली, तब भी आपका बीटेक नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसा बीटेक थोड़ी करना। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट नहीं, सबसे पहले आपको लोग कहते नहीं सबसे पहले इंटरेस्ट देखो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। इंटरेस्ट जमीनी लेवल पे आओ, इंटरेस्ट तो मेरा बहुत कुछ करने का है। इंटरेस्ट तो हम भैया साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, अब साइंटिस्ट बनने के लिए तो पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास गरीब आदमी उसे समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में फैक्ट क्या है। और फैक्ट यह है, सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी देखनी, अपने पिताजी की कैपेबिलिटी देखनी। ठीक, एक बात याद रखिए, पॉलिटेक्निक करे हुए लोग विदेश भी चले गए हैं और बीटेक बड़ी बड़ी डिग्रियां करे हुए लोग खाली बैठे हुए हैं, पता नहीं बीटेक के बाद भी डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डीफार्मा क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में वो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो। तो डिपेंड करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या, प्लस कैपेबिलिटी प्लस केवल कैपेबिलिटी नहीं, फिर कैपेबिलिटी के साथ इंटरेस्ट क्या है। कैपेबिलिटी के साथ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि पता एक हमने 2200 रुपए की पॉइंट थी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं हटाओ, फिर 1000 रुपए की रेंज आई, मेरी कैपेबिलिटी नहीं हटाओ, फिर 500 की रेंज आई, फिर 500 में 4 पॉइंट डाली, अब इन 4 में मेरा इंटरेस्ट क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। उन 4ों में हमें जो अच्छी लगेगी वो हम खरीद लेंगे सर। तो कुल मिला के सीधी सी बात यही है, सबसे पहले आपको कैपेबिलिटी देखनी, फिर इंटरेस्ट, यानी आपके पिताजी आपके ऊपर कितना खर्च कर सकते हैं, आप कितना खर्च कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे काम आती है बीएससी, क्योंकि बीएससी में क्या है, सबसे पहले साइंस साइड वाला व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लगभग सारे स्कोप उसके पास खुले होते हैं। इसलिए हम राय देते हैं भैया अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बीएससी कर लो, क्योंकि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी ठीक हो जाएंगी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं सर। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, मान लिया कोई कहें बीसीए करेंगे, अब खाली बीसीए करने से थोड़ी कुछ होगा, किसी उल्टे सीधे कॉलेज से बीसीए कर लिया, बोले अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, पन्नों को नौकरी नहीं मिलती है, उसे आपने आपको बुलाया गया, उसने आपसे 2-4 चीजें पूछी, आपको पता ही नहीं, आप बेवकूफ बन रहे। तो सीधी सी बात है, यही आपको यह सोचना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट क्या, कैपेबिलिटी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फिर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ाई की उसके साथ में। अब हमसे लोगों ने कहा पॉलिटेक्निक कर लो, हमने नहीं की, क्यों, हमें मालूम था कि मेरा नंबर भी आ गया था, कॉलेज भी मिल गया था, हमें मालूम था हम भुगत जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे अच्छा यहां पे, तो हमने बीएससी कर ली। लोग कहेंगे बीएससी के बाद नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिलती किसके, उल्टी सीधी जगह से बीसीए कर लो घूमिए, बीटेक करने वाले लोग डीएलएड क्यों करते घूम रहे हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बहुत बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, और टैलेंट नहीं है तो भटकते रहिए, ढूंढते रहिए, भैया कहीं कुछ मिल जाए, 10-20 हज़ार का ही मिल जाए, काम चल जाए। पढ़ाने वाले लोग, एक हमारे तरफ मास्टर साहब थे, किसी बेइज्जती नहीं करेंगे, लेकिन 80 रुपये में पढ़ाते थे, 80 रुपये में घर जाके पढ़ाते थे, क्यों, क्योंकि उन्हें 80 रुपये वाली मिलनी मुश्किल है, तो 80 रुपये में पढ़ा रहा। कोई मान लिया 1000 रुपये लेता, 1000 रुपये में पढ़ा रहा, यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एक एक घंटे के तक 2-2 हज़ार रुपये लेते हैं, बड़े सिटीज़ में महीने के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लेते हैं घर जाके पढ़ाने के। अब आप मानेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है, जो बड़ी सोसाइटी है वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये 1-1 हज़ार रुपये घंटे के लोग लेते हैं सर। तो ये डिपेंड करेगा आपके टैलेंट पे, कि आपके अंदर कितना टैलेंट, आप अपने डेवलप नहीं है तो करिए डेवलप सर, सीधी सी बात है। फिर हमने क्या किया, बीएससी किया, बीएससी के साथ हमने पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू किया, करते 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 आज इतना पीछे हो गए, जो हमारे साथ की जिन्होंने बीटेक भी किया था, पता लगा आज वो 50,000-1,00,000 भी कमा रहा, तब भी फोन करता है, यार तुमने तो जलवा काट दिया, तुम तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। अभी कल ही हमें सिग्नल पे एक दोस्त मिल गया, बोले अरे यार बड़ी तारीफ सुनी है, तो हमने कहा भाई चल रहा है जिंदगी, जैसे तैसे चीजें चल रही हैं, बोले चल रही है नहीं, बोले बच्चा कह दे कि सत्यम सर अच्छा कर रहे हैं तो कर रहे हैं, अब यहाँ अपनी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे हम खड़े हुए थे, मस्त पड़ोस में उन्होंने मास्क हटा रहे थे, हो गया। तो कुछ चीजें हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि कितनी जल्दी आप डेवलप कर पाएंगे, टैलेंट को आपको लाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा, झूठ बोलना बंद करें। बीएससी कर लिया, एडमिशन ले लिया, पढ़ाई नहीं हो रही है, 3 साल बीएससी में हो गई, अब क्या करें, जब आपने कुछ सीखा ही नहीं,
कर क्या रहे हैं वो मैटर नहीं, बीए करने वाले भी झंडे गाड़ देते हैं, और बीटेक ईटेक बड़े बड़े कोर्सेज करने वाले भी बैठ के पिताजी के पिता खेती भी बिक गई, सब गिरवी भी रखवा दिया, और उसके बाद में कह रहा सर जी अब तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करें। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, अपने बजट अपने इंटरेस्ट को देखिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे चाहिए बीसीए बीएससी सब किस क्या मतलब करने के फायदे क्या हैं, तो करियर काउंसलिंग सीरीज पूरी प्लेलिस्ट है, जाइए उसमें जाके देख लीजिए बीएससी करने क्या फायदे हैं बीसीए करने क्या फायदे, पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट भी पिन कर देंगे, बाकी नहीं भी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और जाके करियर काउंसलिंग सीरीज की पूरी वीडियोस देख डालिए। 2 घंटे लगेंगे मुश्किल से, 2 घंटे में आपको सब देख ली 20-25 वीडियो। अब सबसे ज्यादा मजा किसमें आया यही करेंगे, उसमें आईटीआई से लेके पूरा आईएएस बनने तक की वीडियोस हमने बना रखी हैं, 20-25 वीडियोस हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखा करिए ताकि जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आया आप हमसे 1-to-1 जुड़ सकें। चलिए सर फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।